आज महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी। हालांकि टीम इंडिया के लिए ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम कागजों पर काफी मजबूत नजर आती है। 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया को अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा। वहीं महिला टीम की हौसला अफजाई करने खुद क्रिकेट के भगवान यानी महान सचिन तेंदुलकर आगे आए हैं। सचिन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए उनकी जिंदगी के संघर्ष और उनके रिकॉर्ड्स अपने फैंस और दुनिया को बताए हैं। सबसे पहले सचिन ने विश्व में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला मिताली राज की तारीफ करते हुए लिखा है, वायुसेना अधिकारी पिता मिताली की देर तक सोने की आदत से परेशान थे। इसे दूर करने के लिए वो भाई के साथ मिताली को भी क्रिकेट कोचिंग अकादमी ले जाने लगे। उस समय अगर 8 साल की मिताली को कोई ये कहता कि आगे चलकर वो महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी तो शायद उन्हें यकीन नहीं आता। बस एक लम्हे की बात होती है जब आप प्रतिभा को पहचान कर उसे सही दिशा देते हैं। इसके बाद सचिन ने विमेन क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली झूलन गोस्वामी के बारे में लिखा कि झूलन गोस्वामी के अपने होने का मतलब भारत के लिए क्रिकेट खेलना रहा है। वो एक ऐसे परिवार से निकलकर 80 किलोमीटर कोलकाता में ट्रेन से सफर करती रही। जिस परिवार में ये माना जाता था कि क्रिकेट लड़कियों के लिए एक प्रोफेशन नहीं है, वो रोज 4:30 बजे सुबह लोकल ट्रेन के लिए जगती थी। ये खेल के प्रति उनका प्रेम नहीं तो क्या था। झूलन का खेल के प्रति जुनून उनके हर परफॉर्मेंस में झलकता है। झूलन, आप सही मायनों में एक इंस्पिरेशन है। वहीं क्रिकेट जगत में अपना डंका बजाने वाली दीप्ति शर्मा की भी सचिन ने काफी तारीफ की। उनके जीवन के बारे में बताते हुए सचिन ने लिखा, उनका भारतीय क्रिकेट तक का सफर बहुत छोटी उम्र में ही शुरू हो गया था। उनके भाई सुमित शर्मा के प्यार और अपनी बहन को यहाँ तक पहुँचाने के संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ। हम दोनों ही कितने भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे भाई मिले हैं। मैंने तुम्हारे बचपन की कहानी सुनी है, जब आपने फील्ड पर थ्रो करते हुए विकेट को उखाड़ दिया था। आपको फील्ड पर देखना हमेशा ही सुखद होता है। सचिन की इस हौसला अफजाई से भारतीय टीम को काफी हौसला मिल रहा होगा और हम भी उनकी जीत की उम्मीद करते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।